हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेरेंसा क्लासेस। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है और इसको लिखा है एचजी वेल्स ने। अब डिस्कस करूंगा सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर, आपको बताना है हु इज मेकिंग दीज फुटप्रिंट्स, ये फुटप्रिंट्स कौन बना रहा था। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं द साइंटिस्ट जेफर्स, द साइंटिस्ट ग्रिफिन, मिस्टर हॉल और द बॉय ऑन द स्ट्रीट। करेक्ट आंसर है द साइंटिस्ट ग्रिफिन। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ रिमार्केबल, रिमार्केबल का ऑपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो लुक एट द ऑप्शंस, ऑर्डिनल, अस्टाउंडिंग, ऑर्डिनरी और सॉलिटरी। और करेक्ट आंसर यहां पर ऑर्डिनरी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है व्हाई वॉज द एयर बिटरली कोल्ड, हवा में बहुत ज्यादा ठंड क्यों थी। सो लुक एट द ऑप्शंस, बिकॉज द ए सी वॉज ऑन, बिकॉज देयर वॉज कोल्ड विंड ब्लोइंग, बिकॉज इट वॉज ऑटम, बिकॉज इट वॉज मिड विंटर। तो बच्चों आपको लग रहा होगा कि शायद ऑप्शन 2 बी यानी बी भी आपका करेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू चैप्टर हमें देना है आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी बिकॉज इट वॉज मिड विंटर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है फाइंड अ सिमिलर वर्ड ऑफ क्वाइटली एंटर। सो लुक एट द ऑप्शंस, सीक्रेटली, स्टिल्थली, स्लिप और हशिंग। और करेक्ट आंसर यहां पर स्लिप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, व्हाई हैज द ऑथर यूज द फ्रेज वंस मोर, उसने वंस मोर का फ्रेज क्यों यूज किया। तो ऑप्शन है बिकॉज ग्रिफिन वॉज नेकेड बिफोर ही हैड एंटर्ड द थिएटर, और बिकॉज ग्रिफिन वॉज नेकेड बिफोर ही हैड एंटर्ड हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, बिकॉज ग्रिफिन वॉज नेकेड बिफोर ही हैड एंटर्ड द लार्ज स्टोर, और बिकॉज ग्रिफिन वॉज नेकेड बिफोर ही हैड एंटर्ड द रेस्टोरेंट्स। और करेक्ट आंसर है यहाँ ऑप्शन ए, क्योंकि वो थिएटर में जाने से पहले एक बार फिर से उसके कपड़े जो है रिमूव हो चुके थे, नेकेड हो चुका था, और थिएटर में जाने से पहले वो स्टोर में गया था जहाँ उसके साथ ही सब कुछ हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आपको रन अवे का सिमिलर वर्ड बताना है। तो लुक एट द ऑप्शंस बच्चों, और करेक्ट आंसर है यहाँ एस्केप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, व्हाट वाज ग्रिफिन सस्पेक्टेड फॉर, ग्रिफिन पे किस बात का शक हुआ। तो ऑप्शंस हैं For having beaten 2 men, for having his hands in committing a murder, for having his role in the burglary at the clergyman's house, or for killing Mrs. Hall. तो ग्रिफिन पर शक हुआ था, जो वो था उनका ग्रिफिन का हाथ होना क्लर्जीमैन के घर में चोरी में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ एडमिटेड, आपको एडमिटेड का ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो ऑप्शन देखिए एक बार, और करेक्ट आंसर यहाँ पर डिनाइड। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है वाई वॉज द अपियरेंस ऑफ द स्ट्रेंजर, यानी स्ट्रेंजर की जो अपीयरेंस है वो अनकॉमन सी क्यों थी। बिकॉज ही वॉज वेरी फैट, ही वॉज वेरी थिन, ही वॉज अनविजिबल, ही वॉज ड्रेस्ड अप स्ट्रेंजली। और करेक्ट आंसर है ही वॉज ड्रेस्ड अप स्ट्रेंजली, क्योंकि उसने सिर से लेकर पांव तक अपने आप को कवर किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है स्टार्टेड पीपल गॉसिपिंग का सिमिलर आपको वर्ड या फ्रेज क्या होगा। तो लुक एट द ऑप्शंस, सेट ऑल टंग्स वैगिंग, अनकॉमन अपीयरेंस, टंग्स वेगिंग, स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस। और अकॉर्डिंग टू चैप्टर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहां स्टॉप करूंगा, और अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रही हैं तो आपसे इतना बोलूंगा कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा, वहां पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो अभी तक आपको नहीं आप देख पाए उसको, या आपको पता ही नहीं चला, और नॉट ओनली इंग्लिश लेकिन SST का भी कंटेंट है, आप देखिएगा उसे। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरंग सर क्लासेज एंड हैव वेरी नाइस डे।